आज से मैं जगत गुरु आदि शंकराचार्य की जीवनी एक सीरीज के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। उनके इस अवतारी जीवन को समझने के लिए उनके लीला सहचरों, उनके पार्षदों का इंट्रोडक्शन जरूरी है, ताकि हम आचार्य के जीवन को आसानी से समझ सकें। आचार्य शंकर के साथ जो प्रमुख लीला सहचर उनके साथ आए थे, उनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन इस प्रकार है। प्रथम शिष्य सनंदन या पद्मपाद, द्वितीय शिष्य मंडन मिश्र या सुरेश्वर आचार्य, तीसरे शिष्य हस्तामलक, चौथे शिष्य आनंदगिरी या तोटक आचार्य। इसके अलावा लीला पार्षदों में कुमारिल भट्ट का और मंडन मिश्र की पत्नी उभय भारती का भी नाम आता है। जैसे जैसे आचार्य की जीवनी आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे हम उनके लीला पार्षदों के बारे में भी और जानेंगे। नमस्कार, मैं अवधूत अपने चैनल अवधूत पर आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं बात कर रहा हूँ आचार्य शंकर के प्रमुख शिष्य मंडन मिश्र के बारे में। मंडन मिश्र की आचार्य के जीवन में वही भूमिका है जो महाभारत में अर्जुन का था। जब बड़े बड़े पंडित और विद्वान यह सुनते थे आचार्य के शिष्य रूप में मंडन मिश्र आ रहे हैं, तब मंडन मिश्र का नाम सुनकर ही कितनों ने शास्त्रार्थ का विचार त्याग दिया। ऐसे प्रकांड विद्वान थे मंडन मिश्र। मंडन मिश्र की पत्नी का नाम उभय भारती था। इनके बारे में कहा जाता है कि वे दुर्वासा ऋषि से श्रापित माता सरस्वती ही थी, जिन्होंने धरा पर उभय भारती के रूप में जन्म लिया। और मंडन मिश्र के बारे में कहा जाता है कि वो ब्रह्मा के अंतर थे। और मंडन मिश्र के पूर्व गुरु महान आचार्य कुमारिल भट्ट के बारे में कहा जाता है कि वो कार्तिकेय के अंश अवतार थे। आचार्य शंकर के बाकी तीन प्रमुख शिष्य पद्मपाद, हस्तामलक और तोटक, इन तीनों ने स्वेच्छा से आचार्य शंकर के शिष्य होने के लिए प्रार्थना की थी। लेकिन इन सबके विपरीत मंडन मिश्र के साथ आचार्य का घोर शास्त्रार्थ हुआ था। आचार्य शंकर जब 16 साल के थे, तब वेद व्यास जी ने उनकी परीक्षा ले उन्हें दिग्विजय अभियान पे जाने को कहा था। और सबसे प्रथम उन्हें कुमारिल भट्ट को शास्त्रार्थ में पराजित कर उसे अपना शिष्य बनाने का आदेश हुआ था। पर जिस वक्त कुमारिल भट्ट से आचार्य मिले, वो अपनी मृत्यु सैया पर थे। आचार्य शंकर कुमारिल भट्ट से मिलते ही अपना उद्देश्य उनके सामने रखा। सब कुछ सुनने के बाद कुमारिल भट्ट ने आचार्य शंकर से कहा, आप मेरे द्वारा जो कार्य कराना चाहते हैं उसे मेरे शिष्य मंडन मिश्र के द्वारा करा सकते हैं। उसकी पराजय मेरी ही पराजय के समान है। मंडन यद्यपि मेरा शिष्य है, तथापि वह मेरी विशेष श्रद्धा का पात्र है और साथ-साथ में मेरी अपेक्षा वो किसी अंश से कम नहीं है। कुमारिल यही नहीं रुके, उन्होंने मंडन मिश्र का विशेष परिचय देते हुए कहा, उस पंडित श्रेष्ठ मंडन को शास्त्रार्थ में पराजित करने से ही आपकी समस्त संसार की विजय हो जाएगी। साथ ही कुमारिल भट्ट ने उभय भारती को उस समय मध्यस्थ बनाने का प्रस्ताव दिया और ये राज खोला कि उभय भारती दुर्वासा शापग्रस्ता देवी सरस्वती है। मंडन मिश्र का जन्म बिहार के सहरसा जिले के महिषी ग्राम में हुआ था। यह पूरा प्रदेश तंत्र बेल्ट के रूप में भी विख्यात है, साथ में यह एक शक्तिपीठ भी है। बंगाल के तारापीठ के बाद आदि शक्ति तारा के तीनों रूपों की पूजा यहाँ की जाती है। इससे पहले मैंने जिक्र किया है कि आचार्य शंकर के बाकी तीन प्रमुख शिष्य अपनी स्वेच्छा से आचार्य के पास शिष्य होने की प्रार्थना लेकर आए थे, पर मंडन के बारे में
आचार्य शंकर को आदेश मिला था कि उसे शास्त्रार्थ में पराजित करो और उसे अपना शिष्य बनाओ। यह आदेश स्वयं वेद व्यास जी ने आचार्य शंकर को दिया था। इसके पश्चात मंडन मिश्र और आचार्य शंकर के बीच शास्त्रार्थ हुआ था, जो कि 17 दिनों तक चला था। 18वें दिन जाकर मंडन की पराजय हुई थी, लेकिन तब भी आचार्य शंकर उन्हें शिष्य नहीं बना पाए थे, क्योंकि साक्षात सरस्वती देवी उभय भारती ने मोर्चा संभाला और अगले 17 दिन पुनः आचार्य को शास्त्रार्थ करना पड़ा। 18वें दिन उभय भारती ने आचार्य शंकर, जो उस वक्त मात्र 16 साल के थे, उनसे कामशास्त्र पर कुछ प्रश्न किए। आचार्य शंकर ने उभय भारती से 1 महीने का समय मांगा और पर काया प्रवेश कर 1 माह बाद एक निबंध के रूप में आचार्य ने उन्हें लिखित उत्तर दिया। पर इस दौरान मंडन मिश्र भी अंदर से अपनी पराजय स्वीकार नहीं की थी। मंडल मिश्र अलौकिक शक्तियों के भी स्वामी थे, उन्हें सूक्ष्म देहधारियों को आवाहन कर सकने की क्षमता थी। मंडन मिश्र कुमारिल भट्ट के शिष्य थे और कुमारिल की तंत्र वार्तिक रचना यह पुष्टि करती है कि कुमारिल तंत्र में भी दक्षता रखते थे। मंडन मिश्र ने उसके पश्चात मंत्र शक्ति का प्रयोग कर मीमांसा दर्शन की रचना करने वाले जयमुनि मुनि को आवाहन किया। जयमुनि मुनि के आने के बाद उन्होंने शंकर द्वारा अपनी पराजय और अपनी संशय का निराकरण के बारे में उनसे सवाल किया और जयमुनि मुनि के समझाने के बाद मंडल मिश्र ने अपनी पराजय स्वीकार की और वो आचार्य शंकर के शिष्य बने। मंडन मिश्र के संन्यास लेने के बाद उभय भारती ने भी योग आरूढ़ होकर समाधि ले ली, पर उनकी समाधि से पूर्व आचार्य शंकर ने उभय भारती से कहा, माता, मैं जानता हूँ कि आप देवी सरस्वती हैं, और यह कह उनकी स्तुति करने लगे। और आचार्य ने कहा, आपके जाने पर धरा पर सर्व विद्याएं लुप्त हो जाएंगी, और स्तुति करते हुए माता से यहीं रहने की प्रार्थना की। देवी सरस्वती उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर उन्होंने कहा, मैं स्थूल शरीर से तो नहीं, पर देव शरीर से मैं यहाँ अवस्थान करूँगी और यहाँ मैं श्रीयंत्र में स्थापित होंगी। इस प्रकार आचार्य शंकर की प्रार्थना पूरी हुई। आचार्य शंकर के शास्त्रार्थ के सामने कोई 1-2 दिन भी नहीं टिक पाता था, वहीं मंडन मिश्र 17 दिन तक नहीं हारे। मंडन मिश्र को जीतना लगभग भारत को जीतने के बराबर था, क्योंकि इसके बाद आचार्य के दिग्विजय अभियान में थोड़े ही पंडित, वो भी समूह में, आचार्य के सामने शास्त्रार्थ के लिए आते थे। शिष्य बनने के बाद मंडन मिश्र सुरेश्वर के नाम से जाने गए। उन्हें गुरु रचित ब्रह्मसूत्र भाष्य पर वार्तिक लिखने का आदेश हुआ। वार्तिक रचना के दौरान पद्मपाद के शिष्यों ने उस पर आपत्ति उठा दी। इसे दुखित हो मंडन मिश्र, जो अब सुरेश्वर थे, मन से श्राप दिया और उस रचना को आचार्य शंकर का कोई भी शिष्य पूरा ना कर पाया। बाद में आचार्य शंकर ने मंडन मिश्र को बताया, प्रारब्धवश तुम्हें 1 जन्म और लेना होगा और इस अधूरे कार्य को तुम्हें ही पूरा करना होगा। यही मंडन मिश्र बाद में वाचस्पति मिश्र के रूप में पुनर्जन्म ले भामती लिखी, जो ब्रह्मसूत्र भाष्य का एक उत्कृष्ट टीका है। गुरु द्वारा दी गई जिम्मेदारी के प्रति उनकी इतनी लगन थी कि अगले जन्म में टीका लिखते समय उन्हें किसी चीज का ध्यान ही ना रहा। ब्रह्मसूत्र भाष्य पर टीका लिखने के बाद जब उनकी पत्नी उन्हें नित्य की तरह उन्हें भोजन देने आई,
तो मिश्र ने पूछा, तुम कौन हो देवी? उस स्त्री के निस्वार्थ सेवा और प्रेम के कारण यह अद्वैत ग्रंथ भामती के नाम से जाना गया। मंडन मिश्र को दक्षिण भारत में स्थापित श्रृंगेरी मठ का जिम्मा मिला। इसके अंतर्गत दशनामी संप्रदायों में से पूरी, सरस्वती और भारती पदनाम के सन्यासी आते हैं और यहीं पर माता सरस्वती श्रीयंत्र के रूप में भी स्थापित है। आज हमने जाना ब्रह्मा के अंधर मंडन मिश्र के बारे में, जो भगवान शंकर के अंशवतार आदि गुरु शंकराचार्य के द्वितीय शिष्य थे। अगले एपिसोड में हम उनके बाकी शिष्यों के बारे में जानेंगे। जय माँ।